महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, यह बात हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना ही आज ही है। आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में हम यहाँ जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है, साथ ही इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार भगवद गीता में हिंदू धर्म को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, 18 पुराण हो, 4 वेद हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, इन सभी में बताया है कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन और जीवन के पश्चात जो व्यक्ति की गति होती है वह सब कर्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता जो है वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि का बड़ा विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विशेष ज्ञान दिया था, दिव्य ज्ञान जो दिया था, उस दिव्य ज्ञान का समन्वय गीता नाम के ग्रंथ में है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 36 श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, अथ केन प्रेक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयं बलादिति नियोजिता। मनुष्य क्यों जान करके या अनजाने में किसी भी प्रकार से न चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता के उसी 3 अध्याय के 37 श्लोक में भगवान ने कहा, काम एश क्रोध एश रजोगुण समद भवा महातनो महापापापमा विद्येन मिहि वेरिणम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य काम वासना से ग्रसित रहता है, अर्थात वह किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और जब वह उस इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके मन में, उसके शरीर के अंदर जो है वह क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण भ्रम उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो यही उस मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धुआं उठता है तो अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर इत्यादि जागृत होते हैं तो ज्ञान को ढक लेते हैं और इसी कारण मनुष्य ज्ञान शून्य हो जाता है और ज्ञान शून्य होकर के वह मनुष्य पाप कर्म में लीन हो जाता है। इससे बचने के लिए हमको महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, अपने जो गुरुजन हैं, जो गुरु हैं, उनके उपदेश के द्वारा अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने मन को पवित्र करना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। आसक्ति और जो विरक्ति है, इस आसक्ति और विरक्ति उन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। जो इंद्रियों में मनुष्य की आसक्ति है, संसार के कार्यों में जो आसक्ति है, मद मोह लोभ इत्यादि में जो मनुष्य की आसक्ति है, इन समस्त आसक्तियों को व्यक्ति को त्याग करके सत्संग करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार सत्संग करता है, गुरुजनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान का भजन करता है, वह उत्तम मनुष्य कहा गया है और वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है।